नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। HSSC ग्रुप डी की भर्ती को लेकर बहुत धमाकेदार नोटिस जारी हुआ है। अभी अभी जस्ट नोटिस आउट हुआ है जी, तो आपके साथ ये नोटिस शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। और एक सभी से गुजारिश है, जो भी कैंडिडेट अपनी फैमिली आईडी सही करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ उस पर आप व्हाट्सएप करके कंसर्न कर सकते हो और घर बैठे अपनी फैमिली आईडी करेक्ट और अपडेट करवा सकते हो। ठीक है जी, किसी तरह की अपडेट के लिए आप संपर्क कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस। ठीक है जी, तो आइए आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। HSSC की तरफ से बिग ब्रेकिंग ग्रुप डी के रिलेटेड रिजल्ट रिलेटेड नोटिस आउट हो चुका है। HSSC ग्रुप डी की सेकेंड लिस्ट के रिलेटेड पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं हमसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, HSSC की ऑफिशियली वेबसाइट पे आप यहाँ से पब्लिक नोटिस जैसे ही क्लिक करोगे तो ये नोटिस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने एक्सटेंशन नोटिस ऑफ द टू द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग करेक्शन पोर्टल ऑफ CET 2023 हरियाणा ग्रुप फॉर ग्रुप डी पोस्ट एडवर्टाइज नंबर 1 2023। ठीक है जी, जो कि पोस्टों के लिए करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया था पहले करीबन करीबन 8 तारीख का। ठीक है जी, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी बिग अपडेट है और लास्ट अपॉर्चुनिटी कह सकते हो। ठीक है जी, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न दैट वाइड कमीशन नोटिस्ड डेट 6 जुलाई 2024। ठीक है जी, 2024 को जो ग्रेवियंसेस वार इन्वेटेड टू द फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग करेक्शन इन देयर कैटेगरीज ऑफ CET ग्रुप डी ऑन करेक्शन पोर्टल बाय द यूजिंग दिस लिंक। इस लिंक पर आपको करेक्शन के लिए 6 जुलाई को इन्फॉर्म किया गया था कैंडिडेट्स को भी। आप जो जो वैकेंसीज फिलअप करना चाहते हो या कोई भी करेक्शन करना चाहते हो आप करेक्शन कर सकते हो। तो फर्दर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ग्रेवियंस वाज 8 जुलाई। 8 जुलाई आपके लिए लास्ट ग्रेवियंस की डेट थी। ठीक है जी, आज 9 तारीख हो चुकी है, 9 जुलाई हो चुकी है। तो यहाँ पर बता दें, नाउ द कमीशन डिसाइडेड हैज कमीशन हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेट फॉर सबमिशन ऑन ऑफ ऑनलाइन ग्रेवियंसिस रिलेटेड टू देयर कैटेगरीज टिल 10 जुलाई, यानी कि 10 जुलाई तक आपके लिए एज ए लास्ट ऑपरचुनिटी। ठीक है जी, पहले 8 जुलाई थी, अब इसको बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया भाई साहब। जिन्होंने अभी तक अपनी करेक्शन नहीं करी, या कह लिए जो क्वालिफाइड हो चुके हैं कैंडिडेट और उन्होंने प्रेफरेंसेस नहीं फिलअप करी हैं या करेक्ट नहीं करी हैं, वो अपनी प्रेफरेंसेस 10 जुलाई तक फिलअप कर दें। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड कर रखा है, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर कैटेगरी रिलेटेड ग्रेवियंस, कोई भी तरह की शिकायत है इफ एनी, अगर कोई भी है तो टिल 10 जुलाई, 10 जुलाई तक कर सकते हो। आफ्टर विच नो फर्दर ऑपरचुनिटी शैल बी ग्रांटेड टू एनी कोस्ट, किसी भी मोल पर कोई भी आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, ये HSSC की तरफ से नोटिस पब्लिक कर दिया गया है, जस्ट अभी अभी नोटिस आया तो आपके साथ हमने शेयर किया जी। ठीक है, अब 10 जुलाई आपके लिए लास्ट डे है, यानी कि कल रात के 12 बजे तक आपके पास टाइम है। अगर आप ग्रेवियंस करना चाहते हो, अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो ग्रुप डी के पोस्टों के रिलेटेड, ठीक है जी, तो आपके लिए लास्ट और लास्ट वन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद कोई भी आपको करेक्शन का कोई भी शेड्यूल नहीं दिया जाएगा और ये ऑफिशियली साइट आपको पहले से प्रोवाइड इन्होंने करवा रखी है। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। फैमिली आईडी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर कंसर्न कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।